पलवल बीती 1 और 2 जनवरी की रात को 6 लोगों की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या करने वाले नरेश धनखड़ को पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार करीब 4:30 बजे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने नरेश को 2 दिन के पुलिस रिमांड का आदेश दिया है। अब नरेश को 11 जनवरी को अदालत में पेश किया जाएगा। नरेश को दिल्ली से SIT इंचार्ज DSP अभिमन्यु लोहान के नेतृत्व में गई पुलिस ने टीम ने दिल्ली से अरेस्ट किया। इस बारे में मामले के IO सब इंस्पेक्टर जयराम सौरोत ने बताया कि नरेश को 2 दिन से पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। पुलिस रिमांड के दौरान 6 लोगों की हत्या के बारे में पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि 2 जनवरी को करीब 2:30 बजे पलवल में अलग अलग स्थानों पर एक महिला सहित 6 लोगों की रॉड मारकर हत्या की गई। हत्याओं ने जिले की जनता को झकझोर कर रख दिया है। हत्यारोपी ने 6 हत्याओं को 1 किलोमीटर के दायरे में अंजाम दिया। CCTV के आधार पर हत्यारोपी की तलाश शुरू की गई। करीब 2 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से आरोपी नरेश दिल्ली अस्पताल में भर्ती। आज पुलिस ने आरोपी को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया। करीब 4:30 बजे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत में पेश किया। अदालत ने नरेश को 2 दिन के पुलिस रिमांड का आदेश दिया। अब नरेश को 11 जनवरी को अदालत में पेश किया जाएगा। CJM कोर्ट में पेश किया था जी से, और इसके लिए पुलिस ने 2 दिन का रिमांड मांगा और कोर्ट ने 11 तक के लिए इसे रिमांड में भेज दिया है। जो प्लेस ऑफ रिकवरी है ये प्लेस ऑफ जो डिमार्केशन है उस जगह की डिमार्केशन करनी है पुलिस को, और भी इसके बारे में जो और अगर कहीं भी कनेक्टिविटी है तो उसके बारे में पूछताछ करनी। नहीं, कितने दिन पुलिस ने मांगी? 11 तक के लिए नहीं मांगी पुलिस ने। कितने दिन की मांगी थी? पुलिस ने 5 दिन की मांगी थी। हाँ। और कोर्ट ने 11 तक के लिए इसे पुलिस रिमांड भेजा। तो उसके आगे अब पुलिस का क्या कार्रवाई रहेगी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी हर एंगल से केस को अपने। अच्छा, जैसे ही पुलिस को मुनासिब लगेगा उस एंगल से इन्वेस्टिगेट करेगी केस।